नमस्कार, ऊर्जा वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। रेसिडेंस में, घर में, मकान में, फ्लैट में, बंगलोस में जब भी अपने रहते हैं तब एक बात बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उस इंटीरियर करने के टाइम पे या तो इंटीरियर किया तो जो सुधार करने की ज़रूरत है उधर सुधार कर लेना। घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, कोई भी डायरेक्शन का मकान है, घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब सामने किसी भी प्रकार का मिरर नहीं आना चाहिए और किसी भी प्रकार का वेद नहीं आना चाहिए। अंदर की साइड पे कोई भी थंबा नहीं होना चाहिए, बीम नहीं होना चाहिए। कोई भी एनर्जी डायरेक्ट जो प्रवेश करती है उसको आने देनी चाहिए। मिरर कभी भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पूर्व, उत्तर, ईशान दिशा की मेन एंट्री है तो कोई भी डायरेक्शन की एंट्री है और सामने मिरर होती है तो मिरर के हिसाब से जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन एनर्जी रेगुलर जो आती है वो एनर्जी वापस डिफ्लेक्ट होती है। वो एनर्जी जब डिफ्लेक्ट होती है तब हर एक मकान के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, टेंशन ज़्यादा बढ़ता है, मेंटली टेंस ज़्यादा रहता है, आर्थिक समृद्धि नहीं रहती और सामाजिक प्रॉब्लम रहते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम भी जनरेट होते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम जब जनरेट होते हैं तब मैंने कई जगह पर ऐसे बहुत अच्छी तरह देखा है कि घर के अंदर एंट्री करते तो सामने बड़ा मिरर होता है या तो मिरर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का पेंटिंग भी होता है। वो अगर नेगेटिव होता है तो एनर्जी लेवल डिप्लेट होता है। जब एनर्जी डिप्लेट होती है तब आर्थिक समृद्धि, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याएँ बढ़ती हैं। अगर आपके घर में, आपके मकान में ये अरेंजमेंट है तो उसको आप तुरंत ही चेंज कर लीजिए, उसको बदल डालिए, तब आप सुखी हो पाएंगे। आज की टिप के लिए बहुत बस इतना ही। नमस्कार।